अस्सलाम वालेकुम गाइस। ओके जी, अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी अबाउट प्रोप्टोसिस। प्रोप्टोसिस जो है ना वो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्बिट का, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक थायराइड आई डिजीज जो है ना आपकी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके रिलेटेड टू ऑर्बिट्स। और रीज़न क्या है, क्योंकि ये इसमें बहुत सारी चीज़ों में प्रोप्टोसिस होता है। प्रोप्टोसिस कोई अलग से एज सच डिजीज़ नहीं है, बल्कि एक कंडीशन है जो बहुत सारी डिजीजेज में डिवेलप हो जाती है। तो डेफिनेशन क्या होती है, तो स्टार्टिंग अप फ्रॉम द डेफिनेशन, ये होता ये है कि अगर आपका आईबॉल जो नॉर्मली आपकी ऑर्बिटल कैविटी में पड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे करके आपकी पूरी ऑर्बिटल कैविटी थी, मैंने आपको दिखाया था, जिसके अंदर आपका आईबॉल पड़ा हुआ है। अब इस कैविटी की जाहिर है एक हद है, एक मार्जिन है, एक एरिया है जहाँ पर आके ये बोन खत्म हो जाती है, जहाँ पर आके आपकी ऑर्बिटल कैविटी खत्म हो जाती है और इसके अंदर आईबॉल पड़ा हुआ है। अगर आपका आई बॉल जो है वो जो इसके अंदर पड़ा हुआ है वो डिस्प्लेस हो जाए फॉरवर्ड, ठीक है, जाहिर सी बात है कोई बैक प्रेशर होगा उससे वो फॉरवर्ड डिस्प्लेस होगा, तो आई बॉल की फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट इतनी कि वो ऑर्बिटल मार्जिन से बाहर प्रोट्यूड आउट हुआ हुआ नजर आए, उसको हम कहते हैं प्रोप्टोसिस, ठीक है जी। डेफिनेशन है फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ आई बॉल बियॉन्ड द ऑर्बिटल मार्जिन, ये प्रोप्टोसिस होता है। अब आपने देखा होगा बहुत कॉमनली हम कहते हैं थायराइड के पेशेंट्स में, आपने फिजियो में पढ़ा होगा, पैथो में पढ़ा होगा कि एक्सोफ्थैल्मोस हो जाता है। वो एक्सोफ्थैल्मोस स्पेसिफिकली हमने थायराइड से रिलेटेड नाम रखा हुआ है, उसमें भी ये होता है कि थायराइड जिनको हाइपरथायरायडिज्म होता है उनमें आईबॉल बल्जिंग होता है, ठीक है, उनमें आईबॉल फॉरवर्ड पुश हुआ हुआ होता है, एंड दैट बेसिकली इज प्रोप्टोसिस। लेकिन वो प्रोप्टोसिस जब स्पेसिफिक टू थायराइड होता है तो उसको हम एक्सोफ्थैल्मोस कह देते हैं, ठीक है, उसमें और प्रोप्टोसिस में कोई डिफरेंस नहीं है, फिनोमेना यही हो रहा होता है कि आईबॉल बल्ज हो रही होती है। फिर हमारे पास इसकी एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कॉज जो उसमें हो रही है उसके मुताबिक क्लासिफाई किया हुआ है हमने इसको। मैंने आपको जनरली भी बताया था कि अगर आप क्लासिफिकेशन किसी चीज़ की पूछते हैं तो आपने हमेशा पांच चीज़ें सोचनी होती हैं। सबसे पहले आपकी कंजेनिटल कॉजेज के हेरिडिटरी क्या होंगे, फिर इन्फेक्टिव कोई इन्फेक्शन हुआ होगा, फिर इन्फ्लेमेटरी होते हैं, उसके बाद आपकी नियोप्लास्टिक यानी कैंसरस कॉजेज होते हैं। उसी के रिलेट उसी को लेके हम किसी भी चीज़ की पॉजिटिव क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इधर भी हमने वही बात की, यहाँ से मैंने कंजेनिटल को इसलिए रिमूव किया क्योंकि वो मैं आपको अलग से बता दूंगी, वो ज़रा लंबे हैं थोड़े से। और इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ है वो सिस्टिक लीजेंस है कि सिस्ट की फॉर्म्स में बनती है। अब इनमें ना काफ़ी सारी डिजीजेज़ के नाम आते हैं, इस तरह आपको याद नहीं रहती, थोड़े सा आप साथ साथ मॉनिक में आपको बताती हूँ सो दैट यू कैन लर्न देम इजीली। जो इन्फेक्टिव कॉजेज हैं, इन्फेक्टिव कॉजेज के लिए निमोनिक है पीसीओ, ठीक है, पीसीओ आपका जो नॉर्मल पीसीओ से आप इसे याद रखें। इसमें तीन बातें आती हैं हमारे पास, पैन ऑफ्थेलमाइटिस, पैन ऑफ्थेलमाइटिस वो कंडीशन होती है जिसमें आपकी पूरी की पूरी आई बॉल ऑर्बिटल कैविटी सब में इन्फ्लेमेशन हुई हुई होती है, इन्फेक्शन हुआ हुआ होता है, ठीक है, इन्फेक्टिव है तो इन्फेक्शन हम कहेंगे, तो उसे हम कहते हैं पैन का मतलब होता है, आप समझे कि जब पूरी चीज़ में फैल जाती है किसी भी जगह, हम कहेंगे पैन पेरिटोनाइटिस या कोई भी ऐसी बात, तो वो मतलब होता है कि पूरा एरिया में इन्फेक्शन फैल चुका है, तो पैन ऑफ्थेलमाइटिस पहली। दूसरा सी से आपका बनता है केवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, आपको पता है केवर्नस साइनस मैंने आपको बताया था कि पीछे आपके ब्रेन में प्रेजेंट है, ऐसे करके यहाँ पर होता है केवर्नस साइनस और इसके साथ से ऑप्टिक क्याज्मा गुजर रहा होता है, तो केवर्नस साइनस जो है वो अगर उसको कोई वस्ता होगा तो जाहिर सी बात है कि वो भी फॉरवर्ड प्रेशर पड़ेगा पीछे से आई बॉल पे। बिल्कुल आपकी केवर्नस साइनस इज़ वेरी नियर टू योर आइज बिकॉज वो बिल्कुल इसके पीछे है, आइज जो आपका स्ट्रक्चर है ना सामने, अगर आइज आपकी ऐसे पड़ी हुई है यहाँ पर, तो यहाँ इसके या बंदा एक बता ये अगर आइज हैं तो आइज वाले के बिल्कुल जो पीछे एरिया है ना वहाँ दरमियान में केवर्नस साइनस होता है, तो इस वजह से उसकी वजह से भी हो सकता है। और ओ से हमारा बनता है ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, इसकी मैं डिटेल में आपको बताऊंगी बिकॉज ये एक पूरी आपकी डिजीज़ है रिलेटेड टू ऑर्बिट। तो ये तीनों की पीसीओ, पैन ऑफ्थेलमाइटिस और ये, ठीक है। इन्फ्लेमेटरी में आपके पास जो आपने याद रखना है वो है आपका टिक डब्ल्यू, ठीक है, टिक डब्ल्यू में से आपका टी से सबसे पहले आपकी थायराइड आई डिजीज, थायराइड ऑफ्थेलमोपैथी वही वाली जो मैंने आपको बताया जिसको हम एक्सोफ्थेलमोस भी कहते हैं, फिर आई से इडियोपैथिक ऑर्बिट इन्फ्लेमेटरी डिजीज। इडियोपैथिक का मतलब ये कि हमें कॉज नहीं पता और ऑर्बिट की इन्फ्लेमेशन होती जा रही है, तो इडियोपैथिक ऑर्बिट इन्फ्लेमेटरी डिजीज, इस पर भी पूरा अलग से मैं आपको एक लेक्चर वीडियो में अलग से बताऊंगी। सी से फिर से केवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस इन्फ्लेमेटरी कंडीशन की वजह से भी हो सकता है, और डब्ल्यू में से होता है विजनर्स ग्रेनुलोमेटोसिस। ये विजनर्स ग्रेनुलोमेटोसिस आपकी एक आर्टरीज की डिजीज़ है, ठीक है, आर्टरीज की इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, क्योंकि आपको पता है आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन होगी तो भी फॉरवर्ड प्रेशर पड़ेगा, तो टिक डब्ल्यू से आपको ये बहुत अच्छे से याद रहेगा, दो दफा आप रिपीट करेंगे यू कैन लर्न देम इजीली। सिस्टिक लीजन्स आती हैं, सिस्टिक लीजन्स में आपने जन्मानिक याद रखना दैट इज पेस, ठीक है जी, पीसीओ टिक डब्ल्यू पेस, पेस से आपका बनता है, इसमें सारा सर्स साउंड्स वाली चीज़ें आती है, ठीक है। सबसे पहले पी से बनेगा आपका पैरासिटिक सिस्ट, ठीक है जी, पैरासिटिक सिस्ट। ई से पैरासाइट की वजह से आपको पता है कोई सिस्ट बन जाए, सिस्ट होती है कि फ्लूइड कलेक्शन हो किसी भी एपिथीलियम की कवरिंग के अंदर, तो उसे सिस्ट कहते हैं, तो पैरासाइट की इन्फेक्शन की वजह से कोई सिस्ट बन जाए। ई से आपका होता है इनकेफलोसील,
इनकेफलोसील बेसिकली आपका जो इन्फेक्शन है वो ब्रेन का है, ठीक है, पीछे ब्रेन में इन्फेक्शन है, और आपकी जो इनकेफलाइटिस होता है या ब्रेन की कैविटी की जो इन्फेक्शन होती है उसमें भी जाहिर है पीछे इन्फ्लेमेशन होगी, इसके आंखों के पीछे हम वही सब कुछ पड़ा हुआ है ना, तो आगे की तरफ प्रेशर पड़ेगा और ये आइज बल्जिंग हो जाएगी। तो इनकेफलोसील, और एस जो है इट स्टैंड्स फॉर साइनस म्यूकोसील। साइनसेस आपके सारे एरिया में पड़े हुए, यहाँ ऊपर फ्रंटल साइनस है, इधर आपके मैक्सिलरी साइनस है, यहाँ पर आपके एथमोइड वगैरह स्फीनॉइड एथमोइड है, तो यहाँ पर आपकी जो सारी साइनसेस हैं अगर उनमें कोई सिस्ट बन जाती है तो जाहिर सी बात है कि आपके साइनसेस आईज के आगे पीछे ही पड़े हुए हैं, तो आई वॉल पे प्रेशर पड़ेगा और वो फॉरवर्ड बल्ज हो जाएगी। तो आपके पास पेस से बनता है, ठीक है, पी से आई टोल्ड यू अबाउट पैरासिटिक सिस्ट, ई से एनकेफलोसील और साइनस म्यूकोसील, तो ये बातें आपने याद रखनी है। ओके, आखिर में आते हैं आपके ट्यूमर्स ऑफ ऑर्बिट। ट्यूमर्स ऑफ ऑर्बिट ना थोड़े से लंबे हैं और इनको याद रखने के लिए जो आसान तरीका है वो यही है कि मैं आपको ये बताती हूँ कि इसके लिए आपने जो याद रखना है सी, फिर उसके बाद आपने जो आपके लेटर्स हैं इस तरह से डालने हैं, डबल एम एम सॉरी नहीं, पहले सी के बाद डबल एल, फिर डबल एम, फिर एन, एंड देन उसके बाद सेव, ठीक है जी। इस तरह आपको ये याद रह जाएगा बहुत आराम से, बिकॉज ये ऑफकोर्स ये बातें मेरे का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एसईक्यू में कुछ भी आ सकता है, तो आपको ये याद होने चाहिए, सी डबल एल डबल एम एन सेव, बस बहुत सिंपल है, ठीक है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। आई एम सॉरी, रिफ्लेक्शन पड़ रही है थोड़ी सी, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो सी जो है हमारे पास, सी स्टैंड फॉर, अब सारे के सारे आपको पता है ट्यूमर तो किसी भी एरिया में हो सकता है, अभी मैं आपको बताती चाहती हूँ। सी कंजेनिटल, पहला एल है हमारा लैक्रिमल ग्लैंड का ट्यूमर है कोई, उससे भी प्रेशर पड़ेगा। दूसरा एल है हमारे पास कोई लिम्फोप्रोलिफेरेटिव डिसऑर्डर, यानी कोई आपका वैसे लिम्फेटिक्स का डिसऑर्डर है जिसकी वजह से यहाँ से भी ड्रेनेज नहीं हो रही, तो यानी लिम्फोमा वगैरह हो गया उसमें। फिर पहला एम हमारे पास आता है कोई मीजेनकाइमल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से मीजेनकाइमल ट्यूमर बन गया, रेब्डोमायोसारकोमा, इसमें बहुत डिटेल में भी बताऊंगी आगे अगली वीडियो में। उसके बाद एम है हमारे पास कोई ऐसा मेटास्टेटिक ट्यूमर है जो है कि सी जगह का, लेकिन मेटास्टेसिस करके वो पूरी बॉडी में फैल रहा है, तो वो यहाँ भी आ गया। एन से मुराद न्यूरल ट्यूमर, ऑप्टिक नर्व का ट्यूमर हो सकता है। एस में साइनस ट्यूमर, अभी मैंने बताया था साइनसेस में भी हो सकते हैं। ई से हमारे पास आ जाता है आई बॉल का अपना कोई ट्यूमर है, ठीक है, रेटिनोब्लास्टोमा, मैलिग्नेंट कोई और ट्यूमर हो गया। और वी से वैस्कुलर ट्यूमर, तो इसमें हमने हर चीज़ को इन्वॉल्व किया, हमने लैक्रिमल ग्लैंड को भी कहा है, हमने मीजेनकाइम को कहा है, हमने नर्व को कहा है, हमने वेसल को कहा है, हमने लिम्फेटिक्स को कहा है, फिर मेटास्टेसिस भी करा लिया, फिर हमने आई बॉल भी कह दी, फिर साइनस भी कह दी, तो ये सारी बातें सी डबल एल डबल एम एन सेव, बस ये आपको याद रहेगा, ठीक है। सो ये आपका बहुत आराम से हो जाता है। फिर हमारे पास आती हैं इन सब के बाद कंजेनिटल कॉजेस। अब आपके जो चाइल्डहुड ट्यूमर्स हैं ना, इनके जो कॉजेज हैं, आपको आसान तरीका बताऊं आप चाइल्डहुड ट्यूमर्स का, क्योंकि आपको अलग सवाल आता है कंजेनिटल अलग से ही है, चाइल्डहुड आता है, ठीक है, तो बचपन में भी जाहिर सी बात है इन सब में से कोई भी कॉज हो सकता है, तो चाइल्डहुड ट्यूमर का कॉज है आपने इन्हीं सब को एज अ मेन थिंग लिख देना है। सबसे पहले आपने कहना है चाइल्डहुड ट्यूमर की कॉज हो सकती है कोई कंजेनिटल कॉज, डर्मोइड सिस्ट वगैरह हो सकती है, ठीक है। फिर आपने कहा चाइल्डहुड में जाहिर सी बात है कोई इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन इन्फेक्टिव कॉज में वही ऑर्बिटल सेलुलाइटिस आ जाएगा जो मैंने अभी आपको पहले बताया। उसके बाद आपने अगली बात यही कहने कि चाइल्डहुड में इन्फ्लेमेटरी कॉज भी हो सकते हैं, इन्फ्लेमेटरी कॉज में मैंने आपको भी बताई थी सबसे इंपॉर्टेंट थायराइड आई डिजीज़ है, आप दो दफ़ा करेंगे आपको याद हो जाएगा, इधर मैंने आपको बताया था ना पीसीओ, इधर टिक डब्ल्यू, इधर पेस, यही बातें बस याद रखनी है, ठीक है। फिर चाइल्डहुड में जाहिर सी बात है सिस्टिक लीजन्स भी बन सकती हैं, वो भी कॉज हो सकती हैं, चाइल्डहुड में वैस्कुलर इशूज भी हो सकते हैं, चाइल्डहुड में ट्यूमर्स भी बन सकते हैं, लेस कॉमन होते हैं लेकिन हो तो सकते हैं ना, रेटिनोब्लास्टोमा, ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा वगैरह वगैरह, लिकीमिया बच्चों में बहुत कॉमन होता है, इसको आपने जरूर मेंशन रखना है। सो इस तरह आपके चाइल्डहुड ट्यूमर्स भी हो जाते हैं। तो यहाँ तक आपके ये तो हो गए, उसके बाद अब आपको जो बाकी प्रोटोसिस की बातें मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ, अभी तक कोई क्वेरी हो यू कैन आस्क मी, थैंक यू।